अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त लाइट हाउस में मौजूद हैं और हमारे साथ सदर लाइट हाउस हकीम शाह साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये एक जो है वो एमए जिन्ना को टच करता हुआ जो रोड है वो यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो क्या है, मार्केट में आने वाले लोग जो हैं शहरी जो हैं उनको यहाँ से किस तरह का जो है वो रिलीफ फराहम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, माह रमज़ान में जो है वो आखिरी जो अशरा है उसमें मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है, तो उसी लिहाज से इंतज़ाम भी किए जाते हैं मार्केट एसोसिएशन की जानिब से। इस वक्त भी यहाँ पर जो हमारा कैंप सिक्योरिटी का कैंप जो लाइट हाउस पर मौजूद है मेजिना रोड पर, उसमें भी जो है वो तमाम तर इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें हमारे साथ पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, इसके अलावा रेंजर्स का ताउन हासिल है। देखें, इंतज़ाम जो है वो माह रमज़ान में खसूसी तौर पर किए जाते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइट हाउस मार्केट में सिक्योरिटी कैंप लगाया गया है, जिसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है और रेंजर्स का ताउन हासिल है। चूँकि माह रमज़ान के आखिरी अयाम है, मार्केटों में रश बढ़ जाता है, तो सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ाम किए जाते हैं, और इसका मकसद यही होता है कि जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको रिलीफ फराहम किया जाए, मार्केट की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए, और ये हर साल ही इंतज़ाम किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो पुलिस भरपूर ताउन कर रही है, ट्रैफिक पुलिस भी इसी तरह, चूँकि ये एक मसरूफ़ तरीन रोड है एम ए जिना रोड, तो इस पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी रवा दवा है, कस्टमर्स भी इजीली यहाँ आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सिक्योरिटी इदारों का ये ताउन बिज़नेस कम्युनिटी के साथ और आम लोगों के साथ इसी तरह जारी रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मार्केट में शॉपिंग करने मर्द और हजरात दोनों यहाँ पर आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर लेडी कॉन्स्टेबल आप लोगों ने कोई ऐसी नहीं रखी जिनको अगर अल्लाह ना करे अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, क्योंकि लेडीज़ के साथ जेंट्स तो नहीं कर सकते ना? जी बिल्कुल। देखें, ये जो कैंप है आज ही से इनका इनकाद हुआ है, क्योंकि योम अली का जुलूस गुजरने के बाद ही जो है वो ये इंतज़ाम किया जाता है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर आप कल से जो है वो इससे भी बेहतर इंतज़ाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लेडी पुलिस जो कॉन्स्टेबल्स हैं वो भी मौजूद रहती है, नफरी भी इससे ज़्यादा इंशाल्लाह बढ़ेगी, तो हमारा तो हर मुमकिन हमारी कोशिश होती है कि जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको रिलीफ फराहम किया जाए, और चूंकि यहाँ पर जितने भी आने वाले कस्टमर्स होते हैं उनको पार्किंग की सहूलियात दी जाती है, साथ में कोई भी छोटा मोटा वाकया होता है तो बजाय पुलिस स्टेशन जाने के यहीं पर पुलिस मौजूद होती है और ऑन द स्पॉट ही उनके जो इश्यूज़ हैं उनको हल कर दिया जाता है। बात अगर मैं यहाँ की पार्किंग के हवाले से करूँ तो ये एक बिजी रोड है, यहाँ पर अगर गाड़ी दो मिनट के लिए भी रुकती है तो एक पूरा पीछे जो ट्रैफिक का हुजूम है वो जमा हो जाता है, तो उस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा कि यहाँ पर अगर कोई आना चाह रहा है तो वो अपनी पार्किंग को किस तरह से सेव कर सकता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एम ए जिना रोड मसरूफ़ तरीन रोड है, लेकिन हमें एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारी लाइट हाउस के साथ जो मार्केट्स लगती हैं वो अक्सर जो है वो होलसेल मार्केट्स हैं जो अफ्तारी से पहले बंद हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो मार्केट्स हैं बंद मार्केट्स, वहाँ पर इजीली जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनके लिए पार्किंग की सहूलियात मौजूद होती है, जहाँ पर पार्किंग के जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, सिक्योरिटी भी मौजूद होती है ताकि कोई भी स्नैचिंग का वाकया ना हो, मोटरसाइकिल चोरी ना हो, तो ये इंतज़ाम करने का मकसद ही यही होता है कि आने वाले कस्टमर्स को हर तरह की परेशानी से बचाया जा सके, तो हमने पार्किंग का भी इंतज़ाम किया है जहाँ पर बिल्कुल फ्री पार्किंग की जाती है और वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद होती है, तो हमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जो मार्केट्स बंद होती है वहाँ पर इजीली हम पार्किंग करते हैं। अच्छा, अगर मैं मार्केट के हवाले से बात करूँ तो ये एक बहुत पुरानी मार्केट है, लोग शुरू से आ रहे होते हैं, बात अगर जूतों की जाए, पर्दों की जाए, लेकिन इस तरह जिस तरह अभी क्राउड मुझे नज़र आ रहा है पहले के मुकाबले में ये क्राउड कम है, तो क्या समझते हैं कि महंगाई की वजह से कम है या लोगों ने शॉपिंग पहले ही कर ली? इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और माशी सूरत हाल हमारे मुल्क की अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैं इसके ज़िम्मेदार हुक्मरानों के ठहराऊँगा, क्योंकि उन्हीं की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मईशत को बेहतर करे। ताजिर जो है वो हम वक्त तैयार है, टैक्स देते हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमतें हैं जो सिर्फ करप्शन के ज़रिए ही अपने पेट पालते हैं और मुल्क का उन्होंने जो है वो अपने
सियासी अना की खातिर, अपने सियासी मफादात की खातिर जो है वो किसी तौर पर भी आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। वो आवाम से ज़्यादा या मुल्क से ज़्यादा तरजीह जो है वो अपने सियासी मफादात को देते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं है हमारे मुल्क के लिए। और इस वक्त हम देख रहे हैं मार्केटों में, सिर्फ लाइट हाउस मार्केट नहीं, तमाम ही मार्केटों में जहाँ जहाँ हमने विज़िट किया है वहाँ पर यही सूरत हाल देखने को मिल रही है कि वहाँ कस्टमर्स ना होने के बराबर है। उसकी सबसे बड़ी वजह कुव्वत ख़रीद का ना होना है, और लोग इस वक्त अगर दो वक्त की रोटी जो है वो खा लें तो उस पर शुक्र अदा करते हैं। और इस वक्त जो ज़्यादातर शॉपिंग हो रही है वो भी बड़ों से ज़्यादा, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ही अब फैमिलीज़ जो है वो ज़्यादा शॉपिंग कर रही है, उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। तो इस वजह से मार्केटों में इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो हमारा तो हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि वो बजाय सियासी मफादात के तरजीह दे अपनी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए, तरजीह दे अपने मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए, मईशत को मज़ीद बेहतर करने के लिए, ना कि अपनी आवाम को सिर्फ जो है वो सिर्फ जो वेलफेयर्स हैं उनके हवाले किया जाए ताकि वो फ्री में वहाँ खाने खाएं। तो मैं समझता हूँ कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस वक्त गुजारा करना। तो हमें उम्मीद है, उम्मीद का दामन हम नहीं छोड़ेंगे कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, आवाम अपने पैरों पे खड़ी होगी और इंशाल्लाह हम इस मुल्क को अपने खुशहाल और आबाद देखेंगे। अच्छा, मैं लास्ट मेरा सवाल आपसे ये ट्रैफिक के हवाले से, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी अगर मुतासर होती है तो ट्रैफिक पुलिस जो है उनका तावुन आपको किस तरह से दरकार है, मतलब आपको वो आपके साथ कॉपरेट कर रहे होते हैं ट्रैफिक को रवाना करने में? देखें, जाहिर है कैंप लगाने का मकसद यही होता है, हम पर हमारे साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थाने की पुलिस होती है वो भी मौजूद होती है, और साथ में जो ट्रैफिक पुलिस है एसओज़ और उनके दीगर जो एहलकार हैं वो भी गाये बगाए यहाँ का विज़िट भी करते हैं, और कुछ जो एहलकार हैं ट्रैफिक के वो यहाँ मुस्तकिल मौजूद रहते हैं, जिसमें जो ट्रैफिक पुलिस के अलावा पुलिस और हमारे अपने ताजरों के कुछ वॉलंटियर्स हैं वो उनका साथ देते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक के इशूज़ जो हैं वो नहीं होते, ट्रैफिक रवा रहती है और कोई मुश्किल नहीं होती यहाँ पर। जी, हमारे साथ हकीम शाह साहब मौजूद थे जो कि लाइट हाउस के सदर हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है उनके लिए ट्रैफिक अगर यहाँ पर जाम हो जाता है या किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इनके पास जो है वो पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पार्किंग के हवाले से, तो इन्होंने जो है वो अलग से जो है वो पार्किंग का एरिया यहाँ पर दिया हुआ है आने वाले लोगों को, ताकि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनको पार्किंग के हवाले से किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर जो है वो दीगर अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर लेडीज़ कॉन्स्टेबल्स भी जो हैं वो कल से यहाँ पर अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाएंगी, ताकि यहाँ पर आने वाले जो कस्टमर्स हैं या आने वाली शहरी हैं उनको किसी भी तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर आके अपनी शिकायत कर सकती हैं, उनकी शिकायत पर जो है वो फौरी तौर पर अमल किया जाएगा और उनके उनकी जो भी शिकायत होगी उसको फौरी तौर पर हल किया जाएगा। कैमरामैन हसनैन के साथ सना 24/7 कराची न्यूज़।